दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी का नाम दुनिया के महान क्रिकेटरों में गिना जाता है और आज ये एक कामयाब खिलाड़ी है, लेकिन क्रिकेटर बनने की राह धोनी के लिए इतनी आसान नहीं थी और एक साधारण इंसान से महान क्रिकेटर बनने के लिए इन्हें अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। धोनी ने क्रिकेट खेलने की शुरुआत अपने स्कूल के दिनों से ही कर दी थी, लेकिन इंडियन टीम का हिस्सा बनने में इनको कई साल लग गए। लेकिन जैसे ही धोनी को देश के लिए खेलने का मौका मिला तो इन्होंने इस मौके का बखूबी उपयोग किया और धीरे धीरे अपने आप को क्रिकेट की दुनिया में स्थापित कर लिया। दोस्तों सन 1981 में भारत के झारखंड राज्य में जन्मे धोनी ने इसी राज्य के डीएवी जवाहर विद्या मंदिर स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की। अपनी 12वीं की कक्षा की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन क्रिकेट के लिए धोनी को अपनी पढ़ाई के साथ समझौता करना पड़ा और इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। और धोनी के पिता पान सिंह मेकॉन कंपनी में काम किया करते थे और इनकी माता का नाम देवकी देवी है। इनके परिवार का नाता उत्तराखंड राज्य से है, लेकिन इनके पिता अपने कार्य के चलते झारखंड राज्य में आकर रहने लग गए थे, जिसके बाद से ये इसी राज्य के निवासी हो गए। धोनी के परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनकी बहन, भाई, पत्नी और एक बेटी भी है। इनकी बड़ी बहन एक अध्यापिका है और बड़े भाई एक राजनेता है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें तो धोनी की जिंदगी में प्रियंका झा नामक एक लड़की हुआ करती थी जो कि धोनी की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन साल 2002 में प्रियंका की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण धोनी की ये लव स्टोरी अधूरी रह गई थी। धोनी की जिंदगी के इस हिस्से के बारे में लोगों के उनके जीवन पर बनी फिल्म के जरिए पता चला था। और धोनी ने 4 जुलाई 2010 को साक्षी से विवाह किया। यह एक लव मैरिज थी। कहा जाता है कि ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन जब साक्षी छोटी थी तभी इनके पिता देहरादून शिफ्ट हो गए थे, जिसके कारण साक्षी को अपना स्कूल बीच में ही छोड़ना पड़ा। साक्षी के देहरादून शिफ्ट हो जाने के बाद धोनी और साक्षी लंबे अरसे तक एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे, लेकिन साल 2007 में इन दोनों की फिर से मुलाकात हुई और ये मुलाकात कोलकाता में हुई थी। दरअसल टीम इंडिया कोलकाता के जिस होटल में रुकी थी उसी होटल में साक्षी बतौर एक इंटर्न कार्य कर रही थी और इसी के दौरान ये दोनों काफी समय के बाद एक दूसरे से मिले थे। और इस मुलाकात के लगभग 3 साल बाद इन दोनों ने शादी कर ली। इन दोनों की एक बेटी भी है और उसका नाम इन्होंने जीवा रखा है। और इन्हें साल 1999 में पहली बार रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिला था और यह पहला रणजी ट्रॉफी मैच बिहार राज्य की तरफ से असम क्रिकेट टीम के विरुद्ध खेला गया था। इस मैच की दूसरी पारी में धोनी ने नाबाद 68 रन बनाए थे, जबकि इस ट्रॉफी के इस सत्र में इन्होंने कुल 5 मैचों में 283 रन अपने नाम किए थे। इस ट्रॉफी के बाद धोनी ने अन्य और भी घरेलू मैच खेले थे और धोनी को भारतीय टीम की ओर से पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेलने का मौका साल 2004 में मिला था और इन्होंने अपना पहला ओडीआई मैच बांग्लादेश टीम के विरुद्ध खेला था। और अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में वे कुछ खास नहीं कर सके और शून्य पर लौट गए। हालांकि धोनी के खराब प्रदर्शन के बावजूद भी इनका चयन पाकिस्तान के साथ खेले जाने वाले अगले ओडीआई मैच में कर लिया गया था। पाकिस्तान के साथ खेले गए इस मैच में धोनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। इस मैच में इन्होंने कुल 148 रन बनाए थे, जिसके साथ ही ये पहले ऐसे भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज भी बन गए थे जिन्होंने इतने रन बनाए हों। धोनी को भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से फर्स्ट टेस्ट मैच खेलने का अवसर साल 2005 में मिला था और इन्होंने अपना प्रथम मैच श्रीलंका टीम के विरुद्ध खेला था। इस मैच की पहली इनिंग में धोनी ने कुल 30 रन अपने नाम किए थे, मगर बारिश के चलते ये मैच बीच में ही बंद करना पड़ा था। और साल 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध खेलते हुए इन्होंने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी भी लगाई थी और इसी के कारण ही इस मैच में भारत को फॉलो ऑन से बचने में मदद मिली थी।
और धोनी ने साल 2014 में अपने करियर का अंतिम टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया टीम के विरुद्ध खेला था। अपने इस अंतिम टेस्ट मैच में इन्होंने कुल 35 रन बनाए थे। ये मैच खत्म होने के बाद धोनी ने टेस्ट मैच से संन्यास लेने की जानकारी मीडिया में साझा की थी और इस तरह से ये धोनी के जीवन का आखिरी टेस्ट मैच बन गया था। और धोनी ने अपना पहला T20 मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था और अपने पहले T20 मैच में धोनी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था क्योंकि इस मैच में धोनी ने केवल 2 गेंदों का ही सामना किया था और 0 पर आउट हो गए थे। हालांकि टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया था। और महेंद्र सिंह धोनी के कप्तान बनने से पहले भारतीय टीम की जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ के पास थी और जब राहुल द्रविड़ ने अपने इस पद को छोड़ दिया था तो उनकी जगह भारत का अगला कप्तान धोनी को चुन लिया गया था। और दोस्तों कहा जाता है कि धोनी को भारतीय टीम की कप्तानी देने की बात राहुल द्रविड़ और सचिन ने बीसीसीआई से की थी, जिसके बाद बीसीसीआई ने धोनी को सन 2007 में भारतीय टीम का कप्तान बनाया था। और दोस्तों भारत का कप्तान बनने के बाद सितंबर 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुए आईसीसी T20 में इन्होंने भारतीय टीम को लीड किया था और इस टूर्नामेंट को जीत लिया था। और T20 कप जीतने के बाद धोनी को वनडे और टेस्ट मैच की भी कप्तानी सौंप दी गई थी और धोनी की कप्तानी के तहत ही भारत साल 2009 में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर पाया था और धोनी के कप्तान रहते हुए कई सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। और दोस्तों धोनी ने 2 विश्व कप में भारत का नेतृत्व किया है और अपनी कप्तानी के तहत भारत साल 2011 में विश्व कप जीता था, जबकि साल 2015 में हुए विश्व कप में भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में कामयाब हुए थे। और दोस्तों अगर हम आईपीएल की बात करें तो पहले सीजन में धोनी को चेन्नई सुपर किंग ने 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा था और यह कीमत सबसे अधिक थी। इनकी कप्तानी के तहत इस टीम ने इस लीग के 2 सीजन जीते थे। और दोस्तों धोनी पहले ऐसे भारतीय विकेट कीपर हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों में कुल 4000 रन बनाए हुए हैं। इससे पहले किसी भी भारतीय विकेट कीपर ने इतने रन नहीं बनाए थे। और दोस्तों भारतीय टीम ने धोनी की कप्तानी के अंदर कुल 27 टेस्ट मैच जीते हैं, जिसके साथ ही धोनी के नाम सबसे सफल भारतीय टेस्ट कप्तान होने का रिकॉर्ड है। और दोस्तों आप लोग बता दें कि कप्तान के रूप में धोनी ने कुल 331 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और ये पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इन्होंने इंटरनेशनल मैचों में 204 छक्के मारे हैं, जिसके साथ ही सबसे अधिक छक्के मारने वाले कप्तान का खिताब भी अपने नाम किया है। कैप्टन के रूप में सबसे अधिक T20 मैचों को जीतने का कीर्तिमान भी धोनी के ही नाम है। और महेंद्र सिंह धोनी को साल 2007 में इंडिया गवर्नमेंट ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया था, जो कि खेल की दुनिया में दिया जाने वाला शीर्ष अवार्ड है। और साल 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और दोस्तों महेंद्र सिंह के जीवन पर हाल ही में एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी था और ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में धोनी की जिंदगी को दर्शाया गया था और इनकी भूमिका को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा निभाया गया था।